नमस्कार। टीवी न्यूज चैनल पर 10 मिनट 10 खबर में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आज दिन भर की 10 खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में इतना बढ़ गया भ्रष्टाचार, विधानसभा में अपने ही विधायकों से घिर गई शिवराज सरकार। बैंक ऑफ बड़ौदा को मिली दक्षिण अफ्रीका में परिचालन बंद करने की मंजूरी। कानपुर में क्लोन चेक और फर्जी साइन कर महिला ने बैंक से निकाल लिए हजारों रुपए। शराब पीने से 4 मौतें होने पर सीएम ने जताया दुख, एचएसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी सस्पेंशन की गाज। नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले पेरेंट्स को कोर्ट ने भेजा जेल, लगाया जुर्माना। इलाज के लिए बीमार इरफान खान जाएंगे विदेश। जियो में निकली वैकेंसी, आप भी भर सकते हैं आवेदन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले रबाड़ा बने नंबर 1 गेंदबाज। मूर्ति तोड़ने वालों पर भड़के राजनाथ, बोले यह भारत का कल्चर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई। अमिताभ बच्चन को क्या हुआ, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इन खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी के ही विधायकों ने उन्हें और सरकार को विधानसभा में घेर लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शिवराज सरकार के मंत्रियों को उसी समय सदन में ही भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों पर कार्यवाही का आदेश देना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की एक शीर्ष अदालत ने भारतीय मूल के विवादित कारोबारियों गुप्त बंधुओं से संबंध होने को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा को अगले महीने से स्थानीय परिचालन बंद करने की अनुमति दे दी है। बैंक ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि रणनीति में संशोधन के तहत दक्षिण अफ्रीका के परिचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है और ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक मनी का प्रयोग करने की बात कर रही है, लेकिन आए दिन बैंक से ग्राहकों के अकाउंट से धोखाधड़ी से रुपए निकाले जाते हैं। ताजा मामला कानपुर के किदवई नगर स्थित SBI बैंक का है, जहां पर खाताधारक के अकाउंट से एक महिला ने क्लोन चेक लगाकर और फर्जी साइन कर 50,000 रुपए निकाल लिए। जानकारी होने पर खाताधारक जब बैंक पहुंचा तब पूरी घटना का पता चला। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे CCTV कैमरा खंगाल कर कार्यवाही करने की बात कही। अवैध शराब की बिक्री और उसके पीने से 4 लोगों की जान चली गई। गाजियाबाद की इस घटना पर राज्य के CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं SSP ने अवैध शराब की बिक्री और इन मौतों के होने के संबंधित थाना क्षेत्र HSO समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में मंगलवार को अवैध शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य बीमार हो गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को लेकर सख्ती बरतते हुए पिछले एक महीने में 69 पेरेंट्स को कैद की सजा दिला चुकी है। उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को ड्राइविंग करने की अनुमति दी थी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बिना लाइसेंस के 14 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों को कार, मोटर बाइक, स्कूटर और ऑटो चलाते देखा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि 69 किशोरों के पिता को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 1 से 3 दिन के लिए जेल में भेजा और जुर्माना भी लगाया।
अभिनेता इरफान की बीमारी को लेकर उनके चाहने वाले लोग और इंडस्ट्री के लोग खासा परेशान हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। इस बीच इरफान ने बताया कि वो अपने इलाज के लिए जल्द ही विदेश जाने वाले हैं। हाल ही में इरफान ने लोगों को उस समय संकट में डाल दिया था जब उन्होंने बताया कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी है। जांच के बाद भी वो इस बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। उनकी पत्नी ने भी लोगों से चिंता ना करने की अपील की है और बताया है कि बीमारी की इस जंग में इरफान जीत कर आएंगे। जियो ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार कई पदों पर नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अपनी योग्यता के अनुसार आप भी पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। लॉन्चिंग के समय पर रिलायंस जियो में 1.20 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट रखा था। रबाडा ने 902 अंक हासिल करते हुए टेस्ट क्रिकेट गेंदबाजों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इस रैंक में भारत के रविंद्र जडेजा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं और स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन 2 स्थान ऊपर उठते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज रबाडा ICC रैंकिंग में 900 अंकों से आगे पहुंचने वाले 23वें गेंदबाज बन गए हैं और दक्षिण अफ्रीका के चौथे खिलाड़ी हैं। राजनाथ सिंह ने आज ट्वीट करते हुए कहा, भारत का कल्चर किसी की प्रतिमा तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है। भले ही आप उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हो या ना हो, इनटॉलरेंस हमारे भारत के कल्चर का पार्ट नहीं हो सकता है। जो भी प्रतिमा तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पहले श्रीदेवी और फिर अभिनेत्री शम्मी के चले जाने का गम अभिनेता अमिताभ बच्चन को सता रहा है। वे खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। पहले बिग बी ने ट्वीट्स पर लिखा, घबराहट हो रही है, और फिर शम्मी आंटी की मौत के बाद लिखा, धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। पच्चीस फरवरी रविवार को अहले सुबह श्रीदेवी की दुबई में अचानक मौत की खबर ने सभी को सन्न कर दिया था। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले आधी रात को मुंबई में अमिताभ बच्चन ने हिंदी में ट्वीट किया था, ना जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। बिग बी के प्रशंसकों को शंका हुई कि शायद उनकी तबीयत फिर से खराब हो रही है, पर यह घबराहट उनके अकेलेपन की।